डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये कौन सा कारण है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्रीमान नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक बड़ा मशहूर कांड हुआ था और आज वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, तब दूसरा वैसा ही एक कांड हुआ है जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, उस समय हर्षद मेहता कांड हुआ था और देश के शेयर मार्केट के अंदर तूफान छा गया था। गरीब मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने शेयर बाजार में पैसे लगाए थे सारे डूब चुके थे। डॉक्टर मनमोहन जी, ये क्या कारण है कि इस बार सत्यम का इतना बड़ा घोटाला आप ही के कालखंड में हुआ? जब आप वित्त मंत्री थे तब हर्षद मेहता का कालखंड आया, जब आप प्रधानमंत्री हैं तब सत्यम का काम आया। ये दोनों कोई अकस्मात है कि आपके आर्थिक नीतियों का परिणाम है या आपकी कुछ सोची समझी? वो कौन सी हरकतों को आप देख नहीं पाते हो जिसके कारण देश डूबता चला जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वे देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है, जवाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, देश को विकास, अटल बिहारी वाजपेयी के समय देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा रोड का अभियान चलाया गया, रोड बनाने का। ये रास्ते बड़े बनने वाले थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला था, सीमेंट लोहा बड़ी मात्रा में जाने वाला था। ऐसा क्या कारण आया मनमोहन सिंह जी, आपने उस काम को ढीला कर दिया? ऐसा कौन सा कारण आया कि पूरे देश में वो रास्तों का काम अटक गया, गरीबों का रोजगार चला गया, भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अटक गया? ये कौन सी आपकी नीतियां हैं, ये कौन सा देश को ले जाने का आपका काम है? आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं एक और गंभीर बात बताना चाहता हूं, शायद इस पुणे की धरती पर पहले शायद चर्चा हुई हो न हुई हो मुझे मालूम नहीं। मित्रों, अभी अभी पिछले हफ्ते सीएजी का रिपोर्ट आया है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको सब पूरा देश ऑनर करता है, ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार की इंस्टीट्यूशन है, और सीएजी का रिपोर्ट आया है कि श्रीमान मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया, मेरे नौजवानों याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार का सीएजी का मुखिया ने कहा है, लिखित रिपोर्ट दिया है, 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली की तिजोरी से निकल गए और किसको दिए उसका हिसाब दिल्ली सरकार देने को तैयार नहीं है। ये 50,000 करोड़ रुपया किसके थे? मेरे पूर्णावासियों, आपने ये 50,000 करोड़ रुपया कर के रूप में दिए हैं, ये हिंदुस्तान के आम आदमी का दिया हुआ पैसा है। ये 50,000 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी अमाउंट, इसका कोई हिसाब नहीं, और भारत के सीएजी को आप हिसाब देने को तैयार नहीं? दाल में कुछ काला है दोस्तों। ये जो साफ सुथरे दिखते लोग बैठे हैं, ये साफ सुथरे नहीं है मित्रों, ये गंदे कारोबार में इनके हाथ लिपटे हुए हैं और इनका हिसाब इस चुनाव में चुकता करना चाहिए, इस चुनाव में इसका हिसाब मांगना चाहिए। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कारनामे हैं। और दिल्ली सरकार चुप है, सीएजी का रिपोर्ट आया, जवाब देने को तैयार नहीं। 50,000 करोड़ रुपए क्या चुनावी कामों की तैयारियों के लिए अपने पसंदीदा एनजीओ को दिए गए हैं? जिन एनजीओ को आपने पैसे दिए उनके नाम घोषित करो,
ये रुपये कहां खर्च हुए, ये देश की जनता को हिसाब दो। 50,000 करोड़ रुपया ये देश की कमाई का पैसा है, गरीब आदमी के हक का पैसा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, चुनाव में कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हो मित्रों? दिल्ली में सरकार के एक मंत्री, ये छाती ठोक करके कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में आने देना चाहिए, इतना ही नहीं उनको हिंदुस्तान का नागरिक का अधिकार देना चाहिए ताकि उसको वोट का अधिकार मिल जाए और उनकी कुर्सी सब हमेशा के लिए सलामत रहनी चाहिए। मैं पुणे वासियों को पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेश वासियों को पुणे में बसाना चाहिए? क्या ये बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को पूरे देश में से निकालना चाहिए? क्या हिंदुस्तान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए? सारा देश कह रहा है, तब मनमोहन सिंह जी का, आपकी सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि बांग्लादेशियों को नागरिक का अधिकार देना चाहिए, इस देश में उनको बसा देना चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति के खातिर देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको वोट मिल जाए? कब तक देश इनको सहन करेगा मेरे भाइयों बहनों? कब तक ऐसे लोगों को हम झेलते रहेंगे जिनको अपनी कुर्सी की चिंता है, देश के नौजवानों के भाग्य की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में इन मुद्दों की बहस होनी चाहिए। मैं एक बार आसाम गया था, आसाम की जनसभा मुझे संबोधित करनी थी, मैं थोड़ा समय से पहले पहुंचा था। तो आसाम के नागरिक मुझे मेमोरेंडम देने के लिए आए, कुछ बातें बताने आए, और कोई व्यापारी समूह आया, कोई वकीलों का समूह आया, महिलाओं का समूह आया, नौजवानों का समूह आया। जो भी आते थे वो मुझे कहते थे कि मोदी जी, आज आप गुवाहाटी के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ जम करके बोलिए, बड़ा आग्रह कर रहे थे। इतने में मुसलमान डेलीगेशन आए, वो भी मुझे यही कहने लगे, मोदी जी आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ बोलिए। मैंने कहा, भाई बाकी लोग तो कह रहे हैं लेकिन आप मुसलमान हैं, आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, साहब पहले तो हमारे बच्चे जब रोजी रोटी के लिए जाते थे तो शाम को 100 रुपया 150 रुपया कमा के आते थे, लेकिन ये जब से बांग्लादेशी घुस गए हैं, उनके बच्चे 30-30 रुपये में काम करने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। ये बांग्लादेशियों को हटाओ, ये वहां के मुसलमान मुझे कहने आए थे। और उस दिन आम सभा में मैंने कहा था गुवाहाटी में, मैं पुणे वासियों आपको बताना चाहता हूं, मैंने हिम्मत के साथ कहा था कि बांग्लादेश और गुजरात की स्थिति में कोई फर्क नहीं है, आसाम और गुजरात की स्थिति में फर्क नहीं है। मैंने कहा था आसाम और गुजरात की स्थिति में फर्क नहीं है, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है, लेकिन सरकार आपकी ऐसी है आसाम में कि बांग्लादेशियों के कारण सिर्फ आसाम नहीं पूरा हिंदुस्तान परेशान है, और गुजरात में ऐसी दम वाली सरकार है कि मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान रहता है। मित्रों, ये दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत वोट बैंक की राजनीति करती है और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है।